कृषि दर्शन में आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों को समर्पित ऐसा कार्यक्रम है जहां पर खेती किसानी पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, कृषि स्टार्टअप की और फार्मिंग इंडिया की। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, यानी हमारे पशुपालकों और दूध उत्पादन के क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही खास दिन, कैसे बताएंगे आपको आज के कार्यक्रम में। इसके अलावा हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमारे देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और उनके जनक यानी वर्गीज कुरियन की कामयाबी की कहानी कैसे आज के समय में हमें उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए और उससे कई तरह की सीख भी हमारे किसान ले सकते हैं। इसके साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल पशुपालक से, बताएंगे आपको कृषि से जुड़ी एक योजना के बारे में और साथ ही जानकारी देंगे कृषि से जुड़ी एक ऐप के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आज सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, जिसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन यानी भारत के मिल्कमैन के जयंती के रूप में मनाया जाता है। आजादी के समय दूध की कमी से जूझते हिंदुस्तान को नई राह दिखाने वाला शख्स, भारतीय कृषि में जिस आदमी की जीवन गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, 50 के दशक से देश को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष करने वाला संत, दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में जिसके योगदान को सारी दुनिया ने सलाम किया, गुजरात के आनंद में 63 साल तक एक योगी की तरह जिंदगी जीने वाले किसानों के महानायक वर्गीज कुरियन। एक अनजाने इंजीनियर के तौर पर कुरियन ने गुजरात के आनंद में कदम रखा और 63 साल तक इसी शहर को अपनी कर्म भूमि बनाया। 50 के दशक से देश में दूध की कमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने और हिंदुस्तान को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले कुरियन को सारा देश ऑपरेशन फ्लड के अगुआ के तौर पर जानता है। कुरियन ने भारत को दूध के मामले में अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। उनके इस योगदान को सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान मिली। 1965 में जब उन्होंने NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नींव डाली, उस वक्त दूध की उपलब्धता काफी कम थी। देश को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता था। 1973 में प्रति व्यक्ति देश में दूध की उपलब्धता महज 111 ग्राम प्रतिदिन थी। इस आंकड़े को कुरियन ने नई सदी में प्रवेश करते करते दुगने से भी अधिक कर डाला, यानी 2001 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो चुकी थी 225 ग्राम प्रतिदिन। इसी तरह से अगर दूध उत्पादन की बात करें तो आंकड़े कुरियन की कामयाबी पर मुहर लगाते हैं। 1950 के दशक में जब कुरियन ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की कमान संभाली, उस वक्त पूरे देश में महज 17 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता था। लेकिन अगले 50 वर्षों में कुरियन के प्रयासों से ये आंकड़ा करीब 5 गुना बढ़कर 2001 में 82 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया। यही नहीं, कुरियन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना डाला। उस भारत को जहां अपनी जरूरत के मुताबिक दूध नहीं था, गुजरात के खेड़ा और आनंद में सहकारी आंदोलन के तौर पर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को इस कारोबार का फायदा बिना किसी दलाल के पहुंचाने का कुरियन का मॉडल अमूल मॉडल के तौर पर जाना गया। देश की लगातार बढ़ती आबादी के बावजूद अमूल की सफलता से न केवल भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, बल्कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी दुगनी हुई है। इस प्रयोग और सफलता का सेहरा न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की बदौलत सजा है, न किसी बैंक के अनुदान से। ये संभव हुआ वर्गीज कुरियन और गुजरात के किसानों की समझ और सहयोग से। कुरियन ने सहकारिता के जिस आंदोलन को खड़ा किया, उसमें महिलाओं की भागीदारी काबिले तारीफ रही।
जब उन्हें ये एहसास हुआ कि दूध की बिक्री से उनका घर चल सकता है और उसका मुनाफा उनके परिवार की बेहतरी के काम आएगा, तो स्त्रियों में भी एक अलग किस्म का स्वावलंबन पैदा हुआ। वो खुद बढ़ चढ़कर आगे आईं। महिलाओं को उन आधुनिक डेयरी फार्मों में ले जाया जाता जहां मवेशी रहते थे, उनकी देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता, तो इससे उनमें स्वास्थ्य प्रजनन संबंधी जानकारी पैदा हुई। वो स्वयं इस बात को समझने लगी कि भैंस गायों को क्यों गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन देना चाहिए। यहाँ तक के कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर उन्हें ले जाने से जनसंख्या नियंत्रण की समझ भी उनमें पैदा हुई। वर्गीज हमेशा के लिए गुजरात या अमूल के होकर रह गए। सहकारिता आंदोलन ने गुजरात से देश के किसानों को एक नया रास्ता दिखाया। कुरियन को परम श्रेणी के तीनों सम्मान मिले। पद्म विभूषण उन्हें 1999 में ही मिल चुका था। उनके सम्मान में देश विदेश के दर्जनों विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। दर्जनों और सम्मान उन्हें दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से मिले। सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठनों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ही कुरियन ने 1973 में गुजरात सहकारिता दुग्ध विपणन संघ यानी GCMMF की नींव डाली, जिसके सदस्य गुजरात के दर्जन भर से भी ज्यादा जिला स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ हैं। अमूल ने गुजरात समेत देश के लाखों किसानों का जीवन बदल दिया। जिस समय देश में हर चीज का आयात हो रहा हो, वहां सहकारिता आंदोलन से दूध और खाद्य तेल क्षेत्रों की सफलता एक रास्ता दिखाती है कि ये देश के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, बशर्ते कि कोई जनता की ताकत के साथ आगे बढ़े। जाति व्यवस्था और छुआछूत से जूझते समाज में अमूल की सफलता एक आर्थिक सफलता ही नहीं, एक सामाजिक क्रांति का भी संकेत देती है। सहकारिता आंदोलन में सभी किसान शामिल थे। गांव-गांव में समितियां स्थापित की गईं। कुरियन की कोशिशों से साल 1955 में स्थापित अमूल ब्रांड ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा दूध ब्रांड बन चुका है, बल्कि अमूल ब्रांड की गिनती दुनिया के टॉप 10 फूड ब्रांड में भी होती है। देश में दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के योगदान पर भी चर्चा हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इस धरती पर 90 साल गुजार कर इस देश का सबसे बड़ा दूधिया और किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द हमसे विदा ले चुका है। हे अमूल मैन, आपकी बड़ी याद आएगी हमें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुए एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद